अस्सलामु अलैकुम नासरीन, टी आर के न्यूज़स मंज तुहद खैर मकदम तो कशुर खबर नाम शाफिया रियाज़ पेश खबर नासरीन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अतल दुल्लुवन कर आज पटनस मज नौ तैमीर शुदा वेटनरी अस्पताल इफ्तिताह। या दौरान डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला सईद सहरिश असगर तिमन हमरा मौजूद अस जराय अबलाग सत कत करान क्या उस मौसूफ सुन वनुन वले वछो। पुरानी थी तो इधर सरकार ने अब नई बिल्डिंग बनाई है, लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार हुई है, इसी का इनॉग्रेशन था और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटी, टेस्ट करने की फैसिलिटी, बाकी पेट्स को देखभाल करने की फैसिलिटी, ये सब मुहैया होंगे। सर 120 के जी लेवल पे काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उनके हवाले से बता दीजिए, उनको महीने में 30,000 रुपये मिलते हैं, उसके हवाले से बता दीजिए। नहीं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, कैजुअल लेबर के लिए बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सर्कुलर हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। नहीं, चलाने वालों की भी कमी नहीं रहेगी उसमें, जो भी जहाँ पर जैसे आपने देखा यहाँ पर जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग बड़ी खस्ता हालत थी, इसमें किसी तरीके का टेस्ट नहीं हो पाता था, कोई देख नहीं पाता था। अब नई बिल्डिंग आई है, जो कुछ भी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी और जितने भी स्टाफ की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेगी। पीओज की जो बात कर रहे हैं, पीओज हमको पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल में 500 डेयरी के सेक्टर में FPO बनाने हैं, तो उसमें से जो हिस्सा बनेगा मानो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, ये 25 के करीब, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 25 के करीब बनेगा, और हर साल में हम कोशिश करेंगे बनाने की, तो एक साल में 5 बनेंगे, तो उसकी निशानदेही हम करेंगे। जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल महराजुद्दीन शाहन कर आज सालाना खीर भवानी मेलस बापत तैयारियन जायजे हन बापत अफसरान एक मीटिंग हिंद सदारत। यह दौरान ADC अफसरान हिदायत दिस तिम करन सारे जरूरी काम वक्त पे मुकम्मल। जम्मू कश्मीर अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन रेंज श्रीनगर तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटियन कर आज श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज सफाई मुहिम हुन सांज। यात मौकस पे मुंतजमीन हुन वनुन ओस अस पज पनुन ओंद पोक साफ थावुन तिकाजी कि तेम सित रोज सोन मुस्तकबिल सेहतमंद। ताहम कर आत मौकस पे मुहिम मज कई स्कूली तलबा होते शिरकत, इसमें हिस्सा ले, बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस वक्त आप देखें पूरी कश्मीर में तमाम स्कूल्स, तमाम डिपार्टमेंट्स और NGOs इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उसमें, पॉलीथीन को साफ़ करने के लिए और जो हमारी नदी नाले हैं उनमें जो पॉलीथीन पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, उसको साफ़ करने के लिए मुहिम जारी है। हर तरफ से हमको मैसेजेस आ रहे हैं और जो प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्किद हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और उसी के सिलसिले में यहाँ भी हमारा एक प्रोग्राम आज मुनक्किद हुआ। दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे इस ड्राइव के साथ ताउन किया। अभी तक तो ये स्टार्ट ही हुआ है, अभी ये बंद का कोई एहतमाम नहीं है, पूरे कश्मीर वैली में जितने भी सारे डिविजन्स आ रहे हैं सब जगह ये ड्राइव चलेगी, और हम सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारा माहौलियात है। माहौलियात का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने घर को साफ़ करें, माहौलियात का मतलब कि घर के बाहर दरवाज़ा, कोचा, गली, इलाका, उसके बाद पूरा वैली को चाहते हैं कि पूरा ये ग्रीन अंडर वन ड्राइव में क्लियर हो जाए। पुंछ जिले में करास सिक्योरिटी फोर्सों के खुफिया हाइड आउट पर्दाफाश। यह दौरान फोर्सों हिंज मुश्तरका टीम कर कई IED तो बरामद कर मौके पे जाय जन तलाशी दौरान यमो अख पिस्तौल, अख ग्रेनेड तो 10 किलवन हिंद IED तो बरामद कर। जनूबी जिले अनंतनाग पे कर आज नुमाइंदन भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबर रफीक अहमद वानिया सत बात। या दौरान तिहद क्या वन वो रिपोर्टस मे इनका बड़ा देरना डिमांड है कि इनका जितने भी वो चारपाए है, भेड़ बकरे है, वो मतलब उनके लिए पूरा वो बंद करके रखा है, जंगल पूरा बंद करके रखा है, जबकि सारे एरिया में खुला है, सिर्फ इनके साथ जाति की जाती है। ये वफद इसलिए यहाँ पहुँची है कि इनका, इनके दर्द का अभी तक किसी ने कोई हल नहीं किया है। मैं आज इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, DC साहब के नोटिस में भी मैं अभी डाल रहा हूँ और DFO कंसर्न से भी हमने बात की है, और इंशाल्लाह इनका जो मसला है, दीरेना मसला जो अभी तक किसी ने हल नहीं किया है, सैटरडे को इनका मसला हल हो जाएगा। देखिए, जो भी इनके साथ जाति करेगा हम किसी को बख्शते नहीं हैं। आपने देखा है कि 2014 के बाद जिसने भी कोई गलती की है पुराने ज़माने में, कब से क्या किया, आज भी उसको हिसाब लिया जाता है। जो भी इनके साथ कोई जाति करता होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 100% एक्शन लिया जाएगा। से
मैं इनको कहना चाहता हूँ, तमाम बुज़ुर्ग जो यहाँ पे आए हैं उनको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इनके साथ शाना बशाना है और हमेशा रहेंगे। इनका जो इनके जो मसाइल थे वो इन्होंने यहाँ पे रफीक साहब के सामने रखे, उनका उजाला ये अभी डिप्टी कमिश्नर अंतराग साहब के साथ उठाएँगे ये मसला और इनका ये मसला हल हो जाए। कपवर्जन के कई इलाकन हिंद लामबरदारों को आज जिला इंतजामियों का शुक्रिया अदा जि तम आये लामबरदार मुंतखब कर जराय अबलाग सत कान वो शेख परवेज अहमदन उस लामबरदार वारपोरा मागम छु जम कर पे गामस मं तमीर व तरक्की बापत काम जाएंगे। जब हम अपनी सरकार को तावन देंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को तावन देंगे, तो मेरा यही कहना है कि हम तमाम नंबरदार जो है नव मुंतखब नंबरदार है जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, हम सब कॉपरेट करके एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन करेंगे। हर एक मामले जहां पे भी इनको जरूरत हमारी पड़ेगी तो हम इनका ताउन करेंगे। मरकजी गवर्नमेंट की तरफ से G20 यहां पे लॉन्च हुआ है। G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे यहां की इकोनॉमी स्पेशली ये इम्प्रूव होगी, इसमें बढ़ोतरी आएगी, लोगों को काफी फायदा हो रहा है। यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म में काफी मतलब चेंजेस होंगे यहाँ पे, वो डेवलप होगा तो उससे लोगों के लिए रोजगार के वसायल पैदा होंगे, लोग इसमें अपना रोजगार कमा सकते हैं। हम उसका तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं और हमारी जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल लेवल पे, हम उनका खैर मकदम करते हैं। इस G20 के बारे में उन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च किया है तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा, तो लोग इसके काफी मशहूर रहेंगे। गांधरबलस में जारी यूथ फेस्टिवल तहत आई आज 24 आरआर तो जिला इंतजामिया तरफ गामन डिग्री कॉलेज में ओपन माइक तकरीब हुन सांस करना यजन अत मौकस पर कमांडिंग अफसर तो कॉलेज प्रिंसिपल मौजूद वीक जो है। आज जो है ओपन माइक सेशन था जिसके स्पॉन्सर 24 आरआर है और उसके यहाँ पे आज खाने पीने का इंतजाम ईच एंड एवरीथिंग जो भी स्पॉन्सर हुआ है उनके थ्रू हुआ है और उनकी वजह से एक फ्रेंडली रिलेशन मिल गया, क्योंकि बीइंग कश्मीरी हमारे यहाँ पे फौजियों के साथ, चाहे नॉर्मल जेके पुलिस हो या आर्मी हो या कोई भी हो, हम उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहते, हैव सम कुछ भी इशू हो, लेकिन ये आग्रह है हमारी ओर और हमारे और आके एक फ्रेंडली सराउंडिंग दे रहे हैं हमें कि आप अपने प्रॉब्लम शेयर करें, आप अपने टैलेंट हमारे साथ शेयर करें, हम उसको आगे ले जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, दे आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, विद वेरी वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज़। एंड जो कल इनको खासकर वो था, कुछ टॉपिक्स दिए गए थे तो उस पर इनने बहुत इनोवेटिव स्पीचेस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो आज का अब इस वक्त ये हो रहा है ओपन माइक सिस्टम, मतलब इसमें क्या कि बच्चे का जो भी टैलेंट है तो वो ये कर सकते हैं। इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड इनने जो आरआर and we are very grateful to them that they have provided us with a very good sound system and ye thoda sa college ko bhi beautify kar rahe hain to and they are sponsoring this। National Testing Agency hin taraf Jammu Kashmir nabar imtihani markaz qaim karnas pe talban manz naraazgi vichni yawan zarai ablaga sit kath karan kya os talban hund vanun akh nazar। वालेकुम, मेरा नाम है सबरीना और मैं यहाँ पे आर्गुमेंट से अपील करना चाहती हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम CUET का पंजाब में है वो कैंसिल कर दे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पंजाब जाए। मैं इतना ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम कश्मीर में लें। सेंटर श्रीनगर तक श्रीनगर न یا بارہمولہ چھ امس گسان بارہمولہ سے یتھے پتہ اسلام آباد چھ امس گسان اسلام آباد سے امس کپواڑ چھ امس گسان کپواڑ سے مگر یہ سٹیٹ نیبر تھاون چھ امس کیا مطلب ہے مقصد ہے گورنمنٹ اپیل کران وہ پان پیرنٹ یا بجن پیرنٹ سے کر اپ پوائنٹ اس پر سوئی تو کم سے کم کوشش کیے سینٹر روزن امن بچن یا بچے پنے سے ڈسٹرکٹ میں یا بول بڑی سری نگر سام کل ایک پیرنٹ مجھے ملے और वो अपनी जो है अपने बच्चे के बारे में कह रहे थे कि उनका सेंटर जो है पटियाला में रखा गया है और वो कह रहे थे कि उनका बच्चा श्रीनगर तक कभी अकेले नहीं गया है और वो कह रहे थे कि मुझे अब इस बच्चे को साथ लेके पटियाला जाना है। आप देखिए कि इसमें बहुत सारे बच्चों की तादाद ऐसे है जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उनसे उनका ताल्लुक है, तो मेरी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनसे मोदीबाना अपील है कि खुदारा
ये जो बच्चे जिनका सेंटर आपने आउटसाइड J&K में रखा है उनका सेंटर जल्द से जल्द विद इन कश्मीर जो है रखिए, ताकि जो इस वक्त बच्चे जहनी कोफ्त का शिकार है उनको जो है। तो नाज़रीन, खबर नाम अंद में दियो इजाजत, खुदा सवाल।